नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, धनिया और जीरा सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते हैं बल्कि यह आपकी किस्मत को भी बदल सकते हैं। धनिया और जीरा ये दोनों ही अपने आप में विशेष औषधीय गुण लिए हुए पाए जाते हैं, लेकिन इनके टोटके काफी कारगर साबित होते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खास टोटकों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा अपने आज की इस वीडियो के बारे में और आज के इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके हमेशा के लिए अपने घर में विराजमान करने का एक खास और अचूक टोटका। दोस्तों, किसी भी दिन देवी माता की मूर्ति के सामने आप एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें और लाल रंग का कपड़ा बिछा लेने के बाद आप इस पर एक मुट्ठी जीरा और कुछ हो सके तो चांदी के सिक्के अथवा आप कोई भी सिक्के अवश्य रख दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप कागज के नोट नहीं रखेंगे, सिर्फ आप सिक्के ही रखेंगे। थोड़े से लाल फूल और एक घी का दीपक जला देने के बाद माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। ऐसा करने के बाद आप लाल कपड़े को लपेट करके एक पोटली नुमा बना लें जिसमें आपने जीरा और साथ ही कुछ सिक्के रखे थे, और इन्हें अपनी तिजोरी या फिर जहां भी आप धन रखते हैं वहां पर रख लीजिए। इस टोटके से देवी माता लक्ष्मी का इतना जबरदस्त आपके ऊपर आशीर्वाद बन जाता है कि आपके घर के सभी सदस्यों की उन्नति रातों रात होने लगती है। दोस्तों, अगर आप लाख कोशिश कर चुके हैं, कड़ी मेहनत कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में पैसा नहीं आता है, और अगर आ भी जाता है तो आपके घर में टिकता नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, तो आप हरे धनिया का यह उपाय अवश्य कीजिए। किसी भी दिन माता लक्ष्मी को याद करके हरा धनिया आप गाय को खिला दीजिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। साथ ही हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलने लगेगी और सभी पैसे आपके पास आने लगेंगे और साथ ही टिकने भी लगेंगे। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको बाजार से थोड़ा सा हरा धनिया लेकर के आना है, उसे पानी से धो लेने के बाद अच्छी तरह से स्वच्छ कर ले और अपने घर में जहां भी आप पूजा करते हैं वहां पर इसे रख करके एक धूप बत्ती जलाएं या फिर अगरबत्ती या फिर आप देसी घी का दीपक जलाएं और इस हरे धनिया को थोड़ा सा धुआं दिखा दें। धुआं दिखा देने के बाद आपको एक गाय जो कि बैठी हुई हो उसके पास जाना है और गौ माता को इस हरे धनिया को खिला देना है। हरा धनिया जब गौ माता पूरा खा ले तब उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए आप उनके कान में अपनी सभी मनोकामनाएं कह दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा के लिए पैसा टिकने लगेगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने लगता है तो उसके आसपास के लोग उससे चिढ़ने लगते हैं और उसके बहुत से दुश्मन पैदा हो जाते हैं और उसके ऊपर कभी कभी ऊपरी बाधा या फिर नजरदोष के विपरीत कार्य करने लगते हैं। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है या फिर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति मौजूद है या फिर आपके घर के किसी सदस्य को या फिर आपके घर में जो बरकत है उसको नजर लग गई है, तो आप केवल एक टोटका कीजिए। आप जीरे के कुछ दाने अपने ऊपर से 7 बार उतार लें और फिर एक कपूर जलाकर जलती हुई आग में इन जीरों के 7 दानों को डाल दें। बस आपको ध्यान यह रखना है कि आपको ऐसा करते वक्त कोई भी देख ना ले। ऐसा करने से आपकी सभी नकारात्मक शक्तियां, ऊपरी बाधा व नजर दोष आदि खत्म हो जाएगा और आप पर और आपके घर के पूरे सभी सदस्यों पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने धन तो बहुत कमा लिया लेकिन कभी कभी आपका पैसा कहीं अटक जाता है, तो तांत्रिक शास्त्र के अनुसार अगर आपका पैसा कहीं अटका हुआ है या फिर आपके कार्य जो भी आप काम करते हैं
वह बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो आप किसी भी दिन एक कागज पर पैसे लेने वाले का नाम लिख दीजिए और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया डाल करके पुड़िया बना लें। अगर आपका कोई कार्य बिगड़ जाता है तो आप जिस कार्य को बनाना चाहते हैं उस कागज पर उस अपने कार्य का नाम लिख दीजिए और उसके बाद उसमें धनिया डालकर एक पुड़िया बना लें। फिर उस पुड़िया को बहते हुए पानी पर अपने मस्तक से एक बार स्पर्श करवाने के बाद प्रवाहित कर दें। लेकिन आपको देखना यह है कि ध्यान यह रखना है कि आपको यह कार्य करते वक्त कोई भी टोके ना। इस टोटके से ना सिर्फ आपका अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा बल्कि धन प्राप्ति के सभी योग भी बन जाएंगे और आपका जो भी कार्य अटका हुआ था वह भी बनने लगेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, जय बजरंगबली।